नमस्कार, मैनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। कस्बा बिचमा के एक विद्यालय में समाजवादी पार्टी की बूथ स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री आलोक शाक्य ने सपा बसपा गठबंधन को लेकर लोकसभा चुनाव में अच्छी स्थिति की बात कही, साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। देखिए हमारे संवाददाता विवेक कुमार की ये रिपोर्ट। कस्बा बिचमा के एक विद्यालय में सपा की बूथ स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष ने की। कार्यक्रम में बोलते हुए पूर्व मंत्री विधायक आलोक शाक्य ने कहा, सपा बसपा गठबंधन से भाजपा पूरी तरह यूपी से साफ हो जाएगी। गठबंधन पूर्ण तरह से हो चुका है, सीटों का बंटवारा भी हो गया है, इसलिए हम सभी को, बसपा के जो भी वोटर हैं, सभी को गले लगाकर अपनी जीत तय करनी चाहिए। भाजपा के शासन में सिर्फ खोखले वादे होते हैं, शिक्षा दबा कर जैसे जुमले वादे किए जाने से लोग काफ़ी परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। भाई संजय यादव जी, जिला पंचायत फूल, जिला पंचायत सदस्य मनोज यादव जी, जिला पंचायत सदस्य रोजावाड़ी के अध्यक्ष रावण सिंह जी,